प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। आज का जो हमारा टॉपिक है, वर्तमान में कौन क्या 2024 मोदी मंत्रिमंडल, इस टॉपिक से यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न पेपर में मिस नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है, 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 24 दिन शेष हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वर्तमान में कौन क्या मोदी मंत्रिमंडल 2024। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वर्ष 2024 में भारत के नए प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो हैं आप लोगों के सही निकलें। देखिए, मोदी जी के पास कौन कौन से विभाग हैं? ये तो प्रधानमंत्री तो ही हैं ही, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। तो मोदी जी के पास ये विभाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा। तो भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, अश्विनी वैष्णव। भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री किसको बनाया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, जीतन राम मांझी को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? नितिन गडकरी, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो है मंत्री भी इनको बनाया गया है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नए रेल मंत्री कौन बनाए गए हैं? पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल। भारत के नए रेल मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के नए रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री बने हैं नितिन गडकरी, और ये लगातार 3 बार, यानी कि ये लगातार 3री बार भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री बने हैं, 2014 में, फिर 2019 में और इस बार 2024 में। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, श्रीपद नायक, ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के नए गृह मंत्री कौन बने? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के नए गृह मंत्री बने हैं अमित शाह। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अमित शाह जी जो हैं, ये 2019 में भी गृह मंत्री बनाए गए थे और ये लगातार 2री बार भारत के गृह मंत्री बनाए गए हैं, और 2014 में इनको रक्षा मंत्री बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनके पास देखिए, सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है, इनका कार्यभार जो सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार जो है वो अमित शाह को सौंपा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री किनको बनाया गया है?
राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन राम मेघवाल, मनोहर लाल खट्टर। वर्ष 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं राजनाथ सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजनाथ सिंह को लगातार दूसरी बार भारत के रक्षा मंत्री का कार्यभार जो है वो सौंपा गया है, और इससे पहले ये 2014 में गृह मंत्री थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत की नई वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? अन्नपूर्णा देवी, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। भारत की नई वित्त मंत्री किनको बनाया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर, ललन सिंह, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री बने हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर लगातार ये दूसरी बार भारत के विदेश मंत्री बने हैं, और 2014 में सुषमा स्वराज ये भारत के विदेश मंत्री थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2024 में एस जयशंकर और 2019 में भी जयशंकर को बनाए गए थे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल, के राम मोहन नायडू, जीतन राम मांझी। हाल ही में भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन बने? तो मेरे प्यारे साथियों, मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? पीयूष गोयल, जुएनल ओराव, प्रहलाद जोशी, एच डी कुमार स्वामी। भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री बने हैं एच डी कुमार स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं? सर्बानंद सोनोवाल, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के नए वाणिज्य मंत्री बने हैं पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी। वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन बने? राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, बी ए हरदीप सिंह पुरी, सी है प्रहलाद जोशी, डी है नितिन गडकरी। भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री बने हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में भारत के जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? नितिन गडकरी, ललन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, जीतन राम मांझी। हाल ही में भारत के जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री बने हैं सर्बानंद सोनोवाल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? के राम मोहन नायडू, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं के राम मोहन नायडू, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, चिराग पासवान, अमित शाह, विकास चौधरी। हाल ही में सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के नए जनजातीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र सिंह शेखावत, जुएनल ओराव, जी किशन रेड्डी। भारत के नए जनजातीय कार्य मंत्री बने हैं जुएनल ओराव, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे उपभोक्ता मंत्रालय एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, सी आर पाटिल। हाल ही में उपभोक्ता मंत्रालय एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों,
भारत के नए कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? गिरिराज सिंह, हर्षवर्धन शुक्ला, अन्नपूर्णा देवी, इनमें से कोई नहीं। भारत के नए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नए दूरसंचार मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीआर पाटिल, इनमें से कोई नहीं। भारत के नए दूरसंचार मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन बने हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी, भूपेंद्र यादव, चिराग पासवान। भारत के नए पर्यावरण एवं वन मंत्री बने हैं भूपेंद्र यादव, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। हाँ देखिए, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार जो है वो सौंपा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने? किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? अन्नपूर्णा देवी, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री किनको बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने? हरदीप सिंह पुरी, अमित शाह, किरेन रिजिजू, इनमें से कोई नहीं। भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं किरेन रिजिजू, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मनोहर लाल खट्टर। भारत के नए खेल मंत्री बने हैं मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले ये स्वास्थ्य मंत्री थे 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाँ इनको जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के नए कोयला मंत्री किसे बनाया गया है? जी किशन रेड्डी, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। भारत के नए कोयला मंत्री बनाया गया है जी किशन रेड्डी को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान, अजीत वाडेकर, चिराग पासवान, इनमें से कोई नहीं। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? चिराग पासवान को बनाया गया, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत, सी आर पाटिल, अर्जुन राम मेघवाल, इनमें से कोई नहीं। भारत के नए जल शक्ति मंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आर पाटिल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने? हरदीप सिंह पुरी, एस शंकर, राजनाथ सिंह, नितिन जयराम गडकरी। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन बने हैं? हरदीप सिंह पुरी। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरदीप सिंह पुरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार भी सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री कौन बने? जितेंद्र सिंह, जितेंद्र प्रसाद, राव इंद्रजीत सिंह, जयंत चौधरी। हाल ही में भारत के सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री बने हैं राव इंद्रजीत सिंह, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत के नए विज्ञान एवं तकनीक और भूविज्ञान मंत्री कौन बने हैं? प्रताप राव यादव, जितेंद्र सिंह, जयंत चौधरी, चिराग पासवान। भारत के नए विज्ञान एवं तकनीक और भूविज्ञान मंत्री बने हैं ऑप्शन नंबर वी यानी कि जितेंद्र सिंह, बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है? अर्जुन राम मेघवाल, श्रीपद नायक, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल। भारत के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के नए आयुध मंत्री कौन बने हैं? नित्यानंद राय, शोभा करंदलाजे, कीर्तिवर्धन सिंह, प्रताप राव यादव। हाल ही में भारत के नए आयुध मंत्री बने हैं प्रताप राव यादव,
तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा इस टॉपिक का, भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री कौन बने हैं? जयंत चौधरी, वीएल वर्मा, कमलेश पासवान, इनमें से कोई नहीं। भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री बने हैं जयंत चौधरी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।